दिल्ली के प्रीत विहार थाना पुलिस ने 1.5 लाख का मोबाइल स्नैचिंग करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी का मोबाइल खरीदने वाले शख्स को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सदर बाजार निवासी राकेश, पहाड़गंज निवासी नकुल और मोती खान निवासी नरेश के तौर पर हुई है। पूछताछ में पता चला कि नकुल बाइक चलाने में एक्सपर्ट है। वारदात में इस्तेमाल पल्सर NS 2000 बाइक को 3000 प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर लिया करते थे। दरअसल 22 अक्टूबर को लक्ष्मी नगर इलाके के V3S मॉल के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से 1.5 लाख का सैमसंग जेड मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए थे। पीड़ित ने मामले की शिकायत प्रीत विहार थाने में दर्ज कराई थी। मामले की जांच के लिए प्रीत विहार की SCP शिप्रागिरी के सुपरविजन में SHO प्रीत विहार हीरालाल, SI संदीप, हेड कांस्टेबल ओम सिंह, कांस्टेबल नीरज और कांस्टेबल योगेश की टीम ने मामले की जांच शुरू की। टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। राकेश सदर बाजार थाने का घोषित अपराधी है। पूछताछ में राकेश ने बताया कि वो अपने साथी नकुल के साथ मिलकर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने नकुल और नरेश को गिरफ्तार कर इनके पास से सैमसंग जेड मोबाइल समेत 18 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी से 5 मामलों का खुलासा हुआ है।